तुम्हारा शरीर भी कुछ और तुम्हारा मन भी तुमको दुख देगा, क्योंकि ये सब सत्य के पक्षपाती है। सत्य सब हो सत्य के पक्षपाती है माने वो कहते हैं कि तुम जो असत्य में सड़ रहे हो, असत्य के रोग से ग्रस्त हो गए हो, तुमको असत्य का भूत लगा है, आओ हम इससे तुमको हटाना चाहते हैं, भागो यहां से, असत्य में मत रहो, तुम अपने घर में सत्य में बैठो, अज्ञान में मत रहो। तुम जब असत्य में बैठते हो तब तुम्हारा देह भी तुमको दुख देता है, मन भी दुख देता है, बुद्धि भी दुख देती है, हटो हटो ये तुम्हारा घर नहीं है, निकलो यहां से। और जब तुम जानबूझ के दुख को अपनाते हो तो दुख तुम्हें चाटे पर चाटा लगाता है, तेरे रहने की जगह नहीं नहीं, आज जा आनंद में रह। ये महाराज ये है आत्मान न पृथ्वी न जलम नाग्न न वायुर्जोर न भगवान। आप पृथ्वी नहीं, ये तो माटी है, माटी तो तुम्हारे लिए जब तुम शरीर धारी हुए जीव बने तो माटी गंध बन के सुगंध बन के तुमको सुखी करने के लिए आई, परंतु फिर बाद में दुख देती है कि तुम जीव नहीं। और यह पानी जो स्वाद बन के आया जब तुम उसके पराधीन हो गए, ये सब पानी है, वो शराब भी पानी है, पनाला भी पानी है, दूध भी पानी है, पीने का पानी भी पानी है, ये स्वादु बन के आया, बच्चा उसका भलो अभलो मजा तुमको पराधीन करने लगा, ये सुंदरता बन के आया। जब तुम आंख वाले बने तो ये माया सुंदरता बन के आई हो, जब तुम नाक वाले बने तो ये गंध बन के आई, जब तुम जीभ वाले बने तब ये स्वाद बन के आई, जब आंख वाले बने तुम तब ये रूप बन के आई, और जब तुम त्वचा वाले बने चाम वाले बने तो ये स्पर्श बन के आई, जब तुम कान वाले बने तब ये शब्द बन के आई। ये माया के अनेक रूप में हो, माया महाठगिनी हम जाने, ये बड़ी भारी ठगनी है, रमैया को दुल्हन लूटा बाजार, ये राम की दुल्हन बाजार को लूटती है, ऐसी ऐसी नखरे दिखाती है, ऐसी ऐसी चेहरे बनाती है, बेचा किया सिंगार है, बैठी बीच बाजार, बैठी बीच बाजार नजारा करते जा रहे हैं। ये माया देखती है इनको कौन सी साड़ी पसंद है का वही पहने, कैसे बाल पसंद है का वही बना रहे, कैसी सुंदरता कैसी मिठास कैसा रूप कैसा गंध, और तुम खुश हो जाओगे कि वो हो देखो हमारे मन का कितना ख्याल रखती है ये माया, लेकिन वो ठगनी है। ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुए बैठी, ब्रह्मा के घर में यही विश्व ब्रह्मानी बन के बैठी, शिव के घर में यही शिवानी बन के बैठी, विष्णु के घर में यही लक्ष्मी बन के बैठी। ये तुमको तुम्हारे घर से बाहर निकालकर मौत के हाथ में, जड़ता के हाथ में, दुख के हाथ में सौंपने के लिए ये माया आती है। होश में आओ, अपने आप को समझो, मैं कहो मुक्त है, मुक्त है आत्मान बुद्धि। मुक्ति के लिए अपने आप को जानो, अपने आप का साक्षात्कार करो। अपने आप को जानो, दुनिया को तो बहुत जानते हो, उन दुनिया को भी वैसे पूजा पूजा नहीं जानते, वहां भी अंधकार में
एक बहुत बड़े उद्योगपति ने हमको बताया कि स्वामी जी आज हमारे घर में कितना रुपया है उसकी गिनती मैं नहीं जानता, मैं बता देंगे। चार लाख सौ पैसा उसने बताया, हम नहीं बता सकते कि हमारे पास आज कितनी संपदा है। ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने बच्चों की गिनती उठा देते हैं, बेटी के बेटे नाते ही होते, बेटे के बेटे नाते ही होते, अपने बच्चों की गिनती हमसे कई लोगों ने पूछने पर कह दिया, गिनने लग गए मेरे साथ, उनके इतने उनके इतने उनके इतने उनको नाम क्या जानते क्या है? धन का ज्ञान नहीं, परिवार का ज्ञान नहीं। अच्छा, शब्द कितनी तरह के होते हैं आपको मालूम है? दुकान से सुनते हैं रूप कितनी तरह के मालूम है? तो बाबा सामान्य ज्ञान में संतोष करते हो, विशेष ज्ञान नहीं है। गंध कितनी तरह के होते हैं, स्पर्श कितनी तरह के, ताल चश्मा लगा के बैठे हैं, उससे जितनी दूर दिखता है उतना खुशी में अपने को सर्वज्ञ मानता है। न तो कह सकते कि मैं नहीं जानता, और न तो कह सकते कि मैं सब जानता हूं। अच्छा, न तो ये जान सकते कि जो चीज मैं जानता हूं आगे उसका क्या होगा, न ये जानते हो कि वो कहां से आई है। माने अपनी मूर्खता में ही आप संतुष्ट हो, जिसको जानने के लिए आपके पास आंख है उसको भी नहीं जानते, जिसको जानने के लिए आपका कान है उसको भी नहीं, और आंख कान तो जानते ही नहीं हो कि आंख कान क्या है, ये सुनने की ताकत क्या है, ये देखने की ताकत क्या है, ये तो बिना प्रत्याहार के ज्ञात ही नहीं होती है। बोला जो प्रत्याहार करेगा माने विषयों से इंद्रियों को अलग करके रख सकेगा, प्रत्याहार माने इंद्रियां विषयों को खाती रहती हैं, आहार करती रहती हैं। तो जब एक बार प्रत्याहार करेंगे हमारी इंद्रियां निर्विषय होकर स्थित होंगी, तब आपको मालूम पड़ेगा कि शब्द परमात्रा, स्पर्श परमात्रा, रूप परमात्रा, रस परमात्रा, गंध परमात्रा, एक एक का ज्ञान प्राप्त करने वाली पांच ज्ञान इंद्रियां अपने अपने गोलकों के द्वारा व्यवहार करते हैं, वो क्या होती है ये भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा। आपका मन क्या है ये भी आपको मालूम नहीं है। जब मन मालूम है आपको तो बताइए अगले मिनट में आप क्या चाहेंगे। चंदन बाल में अच्छा, ये जो बुद्धि है आपकी, बोध शक्ति, वो क्या है? वो जड़ में से निकली है कि चेतन में से निकली है कि दोनों के संयोग से निकली है? और चार बात लोग मानते हैं जड़ में से निकली है,
नैयायिक लोग मानते हैं कि बुद्धि भी एक तत्व है, सांख्य लोग मानते हैं कि प्रकृति का विकार है। आप बोलो क्या है, आपकी बुद्धि क्या है? देखो भाई, पांच पैसा कमा के ले आते हैं, आप अपने पैसे का अभिमान करते हो, हमारे पास जो है जो किताब मैंने अब से 55 बरस पहले पढ़ी थी, उसको कल एक विद्यार्थी ने पढ़ा और आके उनको ऐसे बताने लगा कि जैसे हम उसको कुछ जानते ही ना, तो बिल्कुल नया विज्ञान प्राप्त करके जैसे वो कल आया हो, आधुनिकतम विज्ञान। और हमने तो वो किताब 55 बरस पहले पढ़ी थी। ये जो ज्ञान का आपको धन का अभिमान है, पर आप धन को भी नहीं जानते हैं। काम चलाओ बन, हीरे कितनी तरह के होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उनकी कितनी तरह की होती है, परसों एक ने बताया कि उसको सोने की कोई चीज देने की परसों की बात, तो उनके पिता ने कहा कि तुम खरीद तो लाओगे यहां पर, लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि ये 22 कैरेट का है कि 14 कैरेट का है, इसमें सोना ये तुमको कैसे मालूम है? सुना तुमको ठग लेना। ये बात आपको सुनाते हैं कि जिनको जानने का आप दावा रखते हैं उनके बारे में तो आप ये हालत है, बाहरी चीजों के बारे में। और महाराज उस प्रेत बताने वाले, ये आत्मा किस लोक से आई है, छठे से कि सातवें से कि दसवें से, वो लोगों की गिनती करते रहते हैं। स्वर्ग में कितने हूर कितनी हूर होती है और कितने जल में होते हैं, वहां छोकरे कितने मिलते हैं और छोकरी कितनी मिलती है, इसकी गिनती होती है। बाबा बेवकूफी की हद है, किस लोक में परमेश्वर रहता है, आठवें में, नवें में, दसवें में? तो एक ने बताया बाबा कि मुसलमानों की पहुंच तो सिर्फ चंद्रलोक तक है और चंद्रमा को यही रहता है, इसी से तारा और चंद्रमा उनका निशान। अब एक कैसे बता दें, एक ने बताया नहीं नहीं उसके ऊपर तो अभी त्रिकुटी है, फिर पंचनाल है, फिर बहुत कुपा है, अगत लोक है, अलग लोक है, गुरधाम है, गिनते रहो। ये सब आलतू फालतू सब अज्ञान की लीला है। भगवान कितने ऊपर रहते हैं मंदिर, हाँ भगवान भी स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष का क्या बात ही करते रहते हैं भगवान। कैसे आप लोगों को ये बात कैसे पूछते हैं? भगवान नित्य नित्य निरंतर बिना रात दिन चंद्रमा बूंद के नित्य और स्त्री पुरुष के सहवास में ही सब लग रहते हैं, ये कैसे आपके दिमाग में ये बात उतरती है? दिमाग है कि कहीं रक्त उधार आ रहे हैं, उसको सोचना आत्मानं विद्धि मुक्तये, अपने आप को जानो, अपने आप को
क्योंकि किसी भी दूसरी चीज को जानना तभी हो सकता है जब आप होंगे, आप ही तो जानेंगे ना सबको, तो सब जानना तो आपके आधार पर है। जरा मेरी बात कड़वी है, जानते हैं तो जानबूझ के बोलना है। रात के ऊपर परमेश्वर रहता है, विश्वास सितारे के ऊपर रहता है, कि वहां फौरे की आवाज होती है, कि वहां मृदंग की ध्वनि होती है, कि वहां बादल गरजते रहते हैं, कि वहां अमृत झरता रहता है, कल्पना की हट होती है। कल्पना नीची नीची बात सुनते हैं, मन में वैराग्य है नहीं, मन बह जाता है और बोले यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। आत्मानं विद्धि, आत्मानं अन्विच्छगुहां प्रविष्टं पिता महास्ते स्वगता पिता च। इस शरीर की गुफा में तुम्हारी आत्मा स्थिति हुई है, उसको ढूंढो, उसको ढूंढो। आत्मा अन्विच्छ गुहां प्रविष्टं। अच्छा भाई, कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आजकल बच्चे पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम इंजीनियर हो जाएंगे, हम डॉक्टर हो जाएंगे, हम क्लर्क हो जाएंगे, हम मोटर से सब पुर्जे समझ लें, ड्राइवर हो जाएंगे, चपरासी का काम कैसे करना होता है, यही लड़कियां हैं लड़के हैं सिनेमा का अभिनेता होने के लिए सीखते हैं। तो हम आत्मा को जाने तो किस लिए, क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न हुआ ना। प्रयोजन मनुष्य न बंधो की प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। तो आत्मज्ञान का क्या प्रयोजन है, माने उससे क्या फायदा है, मतलब यही है कि उससे क्या फायदा है, क्या फायदा पाने के लिए हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। तो प्रयोजन का वर्णन है मुक्त। अब आपको दो बात हो गई, मुक्ति है प्रयोजन और प्रयोजन की पूर्ति का साधन है आत्मज्ञान। पहले मुक्ति समझाएं कि पहले आत्मज्ञान समझाएं, पंजाबी लोग आत्मज्ञान बोलते हैं और आत्मज्ञान, पहले मुक्ति समझावें कि पहले आत्मज्ञान। तो कुछ चाहते ही नहीं है, उसके लिए क्या बात करें, आप दुख से पूछना चाहते हैं, आप आने जाने वाले विनाशी सुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो आने जाने वाला सुख होगा वो आते समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब जाएगा तो आपको रुला के जाएगा, तो फिर हंसते रहो, रोते रहो, रोते रहो, हंसते रहो। आप दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, फिर कभी दुख ना आवे ऐसी स्थिति में इस समय हो जाइए कि आपके आने जो पहले दुख आए हैं वो मिट जाए, जो आ रहे हैं वे भी मिट जाए और जो आगे आने वाले हैं वे भी मिट जाए। दुख मिटाने की विद्या है। क्या बाबा जी दुख दुख करते हैं और उनको कोई दुख नहीं है। एक दिन हमको एक माता ने कहा,
मैंने पूछा बाल बच्चे कैसे हैं। अरे महाराज मैं भूल गई, सब छोड़ दिया सबको, क्या आप बाल बच्चों की याद दिलाते हैं? हमारे सिर पर चढ़ गए, आप बाल बच्चों तक की याद दिलाते हैं? अच्छा माता जी आपका चित्त प्रसन्न है। अरे महाराज चित्त में तो हर्ष निषाद आता ही रहता है, वो तो उसका धर्म है, उससे भी मार दिया हमको। अब महाराज रात को हम सो गए, 12 बजे आके दिवाड़ी का कटाया, बोले हमारे बेटे के सिर में बहुत दर्द है, तड़फड़ा रहा है महाराज, दिल को चैन नहीं है, चलिए आप। तो महाराज अब हम कोई डॉक्टर थोड़े हैं कि 12 बजे रात को जाए तो ही है। गए, उसका सिर गोद ले लिया, उसके सिर पे हाथ फिराते रहे, घंटे बंद, नींद आ गई, सब लौट के आ गए। अब उस दिन में तो हमारे सिर पर चढ़ बैठी, रात को उसके सिर पर बेटे का बुखार कर रहा था। आत्मान बुद्धि मुक्त चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो नैयायिक लोग मानते हैं, तो शुरू से ही बोलते चार बात लोग बोलते हैं कि ये जड़ शरीर ही आत्मा है और इसमें जो भोग मिलते हैं, भोग किए जाते हैं, वही शरीर है। न नरक है, न स्वर्ग है, न पुनर्जन्म है, और बस युवा खेलने में मजा है, ये भी तो एक असल है ना। बच्चा पैदा करने में मजा है, युवा खेलने में मजा है, और बच्चे को गोद से चिपकाए रखने में मजा है, अपने शरीर को कुर्सी पर बैठाने में मजा है, और शराब पीने में मजा है, तो ये चार बार पक्ष है वो। तो बोले महाराज ये सब करने से तो हमारे शरीर में रोग हो गया। तो बोले तुम्हारे रोग हुआ, अच्छा मन जब तकलीफ होगी तुमको तो वो भी तुम्हारी बेवकूफी पर ही जिम्मेवारी डालेंगे, कहेंगे जो तुमको तकलीफ है वो तुम्हारी बेवकूफी से है। हम एक जगह गए थे, हाल की बात है, उनके बच्चे का दिमाग ठीक काम नहीं करता, तो मालिक हुआ जो पहले है, जब बच्चा हुआ ना तो शराब बहुत पीते थे, उस शराब का कोई कण जो है वो पहुंच गया वहां, माँ बाप का खाना पीना तो देखे तो क्या करिए, तो चार बात कहता है कि सब कुछ यही है, भोग में है, पैसे में है, शरीर में है, संबंधी में। आजकल जो बच्चे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ना वो बहुत पुराना है, वो अनादिकाल से दर्शनों की कोटि में है, एक वो भी फिलासफी है, वो समझते हैं कि ये बुढ़े लोग क्या जानते हैं, हम सब जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा का उच्छेद हो जाना, आत्मा का न रहना, ये मुक्ति है। ये तो डर के मारे आत्मा की कल्पना की गई है, ये अंत में इसका उच्छेद हो जाता है, कब का निर्वापन होना था, भला हम मर जाएंगे और हमको मुक्ति मिलेगी। देखो ना, हम मर जाएंगे माने हम रहेंगे ही नहीं और हमको मुक्ति मिलेगी, हमारे नाश से हमको मुक्ति मिलेगी, ये कल्पना कितनी कितनी गड़बड़ है। जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तब हमको मुक्ति मिलेगी, ये सही, हम तो रहेंगे परिच्छिन्न रहेंगे तो मुक्ति मिलेगी। नैयायिक लोग कहते हैं
कि मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होने से निष्क्रिय का अधिगम होता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। मीमांसकों में जो प्राभाकर हैं, प्रभाकर भक्त के अनुयायी, वो कहते हैं कि दुख के प्राग भाव का जो परिपालन है, मान दुख होने से पहले की जो स्थिति है उसको बनाए रखो, यही मुक्ति है। दुख के प्राग भाव का परिपालन, ये मीमांसकों का एक भेद है। वो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ये जो प्रपंच का संबंध है इसका लीन हो जाना, ये मुक्ति है। सांख्य योग कहता है कि प्रकृति और प्राकृति से असंग आत्मा का जो अपने स्वरूप में स्थिति है उसका नाम है कैवल्य मुक्ति। भक्त लोग कहते हैं कि भगवान में जाकर मिल जाने का नाम है मुक्ति। सच्ची मुक्ति वही मिलता है। इस बात को भी वो मुक्ति नहीं मानते हो कि हम भगवान के लोक में चले जाएं और हम भी मुकुट और कुंडल और पीतांबर धारण करके उनके दरबार के मुसाहिब बन जाएं या उनके दरबार में रहें, सालों के सामी सारूप को, या बनमाला बन जाए या भौरा बन जाए, इसको भक्त लोग मुक्ति नहीं मानते हैं। ये तो मुक्ति का भाव है। वहां भी जब भौरा होगा वो सो जाएगा, वहां भी वो फूल माला एक दिन मुर्झा जाएगी। तो वो कहते हैं भगवान से सायुज्य का नाम मुक्ति है, ये भक्त लोग। अब औरों की बात अभी छोड़ देते हैं, बहुत है, बहुत संपूर्ण विश्व को आत्मोल्लास के रूप में देखना मुक्ति है, ये सही लोग। संपूर्ण विश्व को भगवत विलास देखना मुक्ति है, ये भागवत है। वेदांत कहता है कि आपका जो आत्मा है, आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं और अद्वितीय अखंड चेतन। क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते हैं इसलिए आपको अपने वक्त होने की भ्रांति हो गई है। यदि आप इस बात को जान जाएं कि मैं क्या हूं, तो आप पहले से ही मुक्त हैं। पहले से अज्ञान काल में भी आप मुक्त हैं, ज्ञान काल में भी आप मुक्त हैं, और जब आप अपने को बद्ध समझते हैं तब भी मुक्त हैं। और ये मुक्ति आपको न कर्म से मिलेगी, न उपासना से मिलेगी, न दूर से मिलेगी, न वैकुंठ में जाने से मिलेगी। ये मुक्ति आपको मिलेगी तो अपने आप को जानने से मिलेगी, और वो मरने के बाद नहीं मिलती है। मुक्ति दृष्ट सुख है, अदृष्ट सुख नहीं है। अब आपको दृष्ट सुख माने इसी जीवन में जिसका अनुभव होता है वो, ये आप नोट कर लो। हाँ, तो गुरु कृपा से हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे, या पुण्य करने से, पुण्य करने से हम स्वर्ग में जाके मुक्त हो जाएंगे, या रिदियाने से, ये रिदियाना सब तो बल्लभ संप्रदाय में मिलता है। बल्भाचार्य बोले सूरदास का क्या रिधि आता है, वो सम कौन को दिल फल का है, क्या रिधि आता है, क्या तय 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 मैं करता है, वो सम कौन को दिल फल का है। बल्भाचार्य सूरदास को ढाका था, वहीं हमारे मथुरा के पास ही उदमता एक गांव है, वहीं सूरदास जी रहते थे। सूर की क्या रिधि आता है, रेखता रे मैं मौसम। आत्मानं विद्धि
अपने आप को जानते हैं। हम उस लाट साहब किस तारीख से किस तारीख तक किस सन में किस सन से किस सन तक थे हिन्दुस्तान। अरे विद्यार्थियों को याद होगा हो इतिहास के विद्यार्थियों रोम में ईसाइयों की राजगद्दी का स्थापित को ही मालूम होगा कितने सम्राट हो चुके हैं कहीं ये मालूम होगा। लेकिन सब कुछ जानते हो और तुम खुद घोर अंधकार में फंसे हुए हो। आत्मानंद बुद्धि अपने आप को जानो अपने आप को जानो। जब तुम अपने आप को जानोगे तो देखोगे कि तुम कहीं बंधे हुए हो ही नहीं। हमको हजार बार मालूम पड़ा है था जब हम इसके बिना नहीं रह सकते अब इसको देखे बिना कोई मजा नहीं है तो ये खाए बिना तो मजा ही नहीं आता। मर गए मर गए जो के तो हम जब चलते थे 25 मील 30 मील 30 मील तो सोचते थे हमेशा ऐसे ही बुढ़ापे में भी ऐसे ही चलेंगे। 2 मील चलने में तय नहीं रहेगी ये जवानी। काले बाल ये दांत ये सिर ये दिमाग अभी हम लोग 50 बरस की योजना तो बना ही लेते हैं हो कि ये होगा ये होगा ये होगा क्या मालूम होता है। तो ये सब आगे आगे की जो बात सोचते हैं वो सब सही है। आप इस समय देखिए आप कैसे आत्मानंद बुद्धि रूप बदल गए आंख रह गई आंख बदल गई मन रह गया मन बदल गया तुम रह गए है कि नहीं वो भी बताओ हमारे दंगल देव जी महाराज से ना कुछ पूछ के अरे बोलो है कि नहीं अपने संगी साथी बदल गए और सुंदरता के माप बदल गए साड़ियां बदल गई बालों की सजावट बदल गई स्नो पाउडर बदल गए चांद बदल गए आंख बदल गए मन बदल गए और तुम भी बदल गए। मैंने इसी भाले को पढ़ता है कि हम तो वही हैं बचपन वाले। अरे बाबा तुम भी शरीर को पकड़ के बदल गए आत्मानंद बुद्धि। अगर शरीर को नहीं पकड़े तब तो तुम नहीं बदले और शरीर को पकड़ लिया तो तुम बदले। जाओ मिट्टी के खिलौने न पृथ्वी जब तब क्या तुम पानी की उदय हो तुम्हारे तब क्या तुम आग की चिंगारी हो तब क्या तुम हवा के झोंके हो तब क्या नाक के छेद हो कि कान के छेद हो कि मुंह के छेद हो कि पेट के छेद हो जिसमें रोज किलो किलो है 1 किलो माल मसाला डालते हो निकलता है वो पेट का छेद तुम हो जैसे बाहर नहीं हो वैसे भीतर नहीं हो। ये तो कुएं में ही महाराज बांध पड़ी है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा। आत्मानंद बुद्धि अपने आप को जानो न ताम्यति जो कभी थकता नहीं है। सुषुप्ति में भी जानता है कि स्वप्न और जागृत नहीं रहते हैं। सुप्त काल में मन न रहने पर भी घोर अज्ञान होने पर भी जो रहता है वो न ताम्यति
भूतोत्मा न प्रकाशते। कठोपनिषद में आत्मा है वो आत्मा, इस सर्वेशु भूतेशु बुधोत्मा न प्र, वहां आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा है, आत्मा बुधो आत्मा न प्रकाशते, प्रकाशते आत्मा माने न साम्यत, जो कभी फटता नहीं, जिसकी सत्ता में कभी विकार नहीं होता, जिसके ज्ञान में कभी थकान नहीं है, जिसका आनंद कभी दंड नहीं होता, वो तुम हो बुधोत्मा न प्रकाशते। इंद्रियों में बैठ के विषयों का भोग करते हो जागृत में, मन में बैठ करके स्वप्न में विषयों की कल्पना करते हो और उनको सत्य मानते हो स्वप्न में, सबको छोड़कर सो जाते हो सुसुप्ति में, और जच्चाप्नोति जदा तत्ते जच्चाति विषयान हो, सुसुप्ति में रहता है, स्वप्न में करता है, जागृत में भोगता है, जब चाश संतो भाव, जो तीनों में एक आत्मानंद स्थिति, अपने उस आत्मा को, उस आत्मा को जानो। ये सम्राट से बड़ा हो तो, ये जो दुनिया में शेख लोग होते हैं सब शेखों से बड़ा, ये शेख सब राजाओं से बड़ा, ये राजा है उसको जानते हैं, पैसे के पीछे पीछे करने वाला देश हमारी आत्मा के सामने क्या होता, कुर्सी पे चिपका हुआ राजा हमारे आत्मा के सामने क्या चीज है, स्वर्ग के विषय भोग में लंपट इंद्र बापुरा क्या होता, बच्चा कच्चा पैदा करने में लगा हुआ है। जो महाराज लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकता वो विष्णु, और पाप से लिपटा हुआ रुद्र और माया से लिपटा हुआ ईश्वर हमारे रुद्र बुद्ध मुक्त आत्मा के सामने क्या होगा है, आप लोग क्या समझते हैं, एक महात्मा, एक महात्मा ईश्वर से बड़ा होगा, ईश्वर माया में लिपटा हुआ होता है और महात्मा माया से मुक्त होता है। तो आप लोग सुखमणि में तो पढ़ते ही होंगे ना, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, सुखमणि साहब ने पढ़ा के नहीं पढ़ा, जिसने अपने को माया में लपेटा उसका नाम ईश्वर, जिसने अपने को माया के फंदे से छुड़ा लिया उसका नाम महात्मा, आत्मानं वृद्धि मुक्तये, आत्मानं वृद्धि मुक्तये, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। रुद्र को क्रोध आता है तो प्रलय करता है, और जिसको भगवान को लोभ आता है तो दूध का समुद्र अपने घर में और कौस्तु मणि गले में लक्ष्मी पांव में, ब्रह्मा को काम आता है अपने बेटी के पीछे दौड़ते हैं, ये सृष्टि का सत्य है सत्य, आप क्या समझते हैं, बोलते हैं आइए धर्म ग्रंथ धर्मालंकार धर्मधुरी आइए भगत जी आइए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, सृष्टि में जनक तो एक दिए थे और आज तो घर घर ज्ञानी हैं, और अपने को जनक कहने से इतने खुश होते हैं, हे भगवान। हाँ आत्मानंद मुक्त है, अच्छा भाई आत्मा है क्या, मिट्टी का खिलौना नहीं है, पानी की बूंद नहीं है,
और ये आग की चिंगारी नहीं है, ये हवा का झोंका नहीं है, और ये आकाश की बोल नहीं है, सब कौन है? साक्षण आत्मान, इनका साक्षी, साक्षी माने क्या? जो आंख से देखता है, आंख से जो देखता है ना, वो नहीं साक्षात सत्य है। जो कान से सुनता है वो नहीं, जो त्वचा से सुनता है वो नहीं। छोड़ो, यदि देहम पृथक कृत्य स्थिति विश्रम में तिष्ठ होते, साक्षी माने क्या होता? साक्षात पश्यति करणम विनैव, जो पग बिनु चले, सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म, करें दिखाना, आनंद वे सकल एक अंत तक। ये देह है, कदे में बोले ये कलेजा है, कई कलेजा में बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं, कई खोपड़ी के अंदर बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं। अरे बेवकूफ, साक्षी का सत्यानाश क्यों करता है? खोपड़ी के अंदर कैद है साक्षी, कलेजे के मांस पिंड में बधा हुआ है साक्षी, 3.5 हाथ में बैठा हुआ है साक्षी, और बोले मैं तो साक्षी हूँ और बाकी सब संसार है। कितने साक्षी होते हैं? हर शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी, हर शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी। एक एक सज्जन बोलते थे हमको साक्षी आत्मा आनंद, एक साक्षी हो तो रोते क्यों? बोले रोता शरीर है, साक्षी थोड़े ही रोता है, ऐसे बोले रोता शरीर है, साक्षी थोड़े ही रोता है। बोले अच्छा तुम साक्षी हो तो मरने पर तुम तो मुक्त हो जाओगे, और जो साक्षी नहीं है उनका क्या होगा? तो उधर तो रहेंगे। एक साक्षी मुक्त होता है, एक साक्षी बंद होता है। मार दिया ना साक्षी का सत्यानाश हो गया, मैं मुक्त हूँ और बाकी सब बद्ध हैं। बोले ना तुम मुक्त नहीं हो, तुम केवल वाणी से मुक्त हो, तुम केवल कल्पना में मुक्त हो। यदि तुम मुक्त हो और बाकी सब बद्ध हैं, तो आत्मा के स्वभाव में सत्यता आ गई। तो यदि दे हम पृथक कृत्य स्थिति विश्रम तिष्ठति अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य। देहम पृथक कृत्य, देह की कल्पना छोड़ो। देह माने कूड़ा, देह जैसे एक कुड़िया में 4-5 चीज डाल के कुड़िया बांध दी जाए तो एक टिकेगी ना, ऐसे ये चांद की तो है कुड़िया, और इसमें हड्डी है, मांस है, जीव है, खून है, विष्ठा है, मूत्र है, और ये चांद की कुड़िया में क्या क्या बदा है? और ये मैं तो तुम्हारे ज्ञान को नमस्कार स्वीकार है। इसे ज्ञान को जिसने अपने को चांद की कुड़िया में बंधी हुई और चीजों को अपना मैं समझ लिया। पिछय देह माने राज, देह माने ढेर, ढेर पूरा करकट, और जो चीज कई चीजों के जोड़ से बनती है वो अपने लिए होती ही नहीं है। देह तो माटी पानी आग से बना है, एक मशीन बनाई गई है जिसकी ये डिजाइन है, इतनी गर्मी सर्दी सह सकती है, इतने चक्कर चलेगी, ये मशीन है, इसको अलग रख लो, रख दो इसको धरती पर, तुम हो जाओ आकाश, आकाश को तनवो तनवो महात्मा, महात्मा का शरीर हड्डी मांस प्राण का टुकड़ा नहीं होता है, आकाश के साथ सब। आकाश के बारे में लोगों का ख्याल ब्रह्मांड में आकाश होता है कि आकाश में ब्रह्मांड, बताओ?